अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ देर पहले से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर वायरल हो रही है कि ज़िल्ला फाटू जो कि उमागा एक WWE के रेसलर थे, उनके बेटे हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बताया ये जा रहा है कि WWE के मशहूर रेसलर जिनका नाम है रोमन रेंस, दुनिया भर में इनकी बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है और ज़िल्ला फाटू इनके भाई के बेटे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी ये बात नहीं बताई कि ज़िल्ला फाटू ने इस्लाम कैसे कबूल किया, और किसी ने भी आपको ये बात नहीं बताई कि इनकी हिदायत का इंतजाम कहीं पर हुआ है तो वो जेल के अंदर हुआ है। ज़िल्ला फाटू ने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ये कबूल किया कि इस्लाम कबूल करना एक ब्यूटीफुल जर्नी थी इनकी जिंदगी की। पूरा वीडियो तो हम यहाँ पर आपको बता नहीं सकते, छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट उस वीडियो का यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद में मजीद तफसीलात बताएंगे। माय जर्नी आई एम बिकमिंग मुस्लिम, दोस्तों ऑफ यू ऑल नो आई एम मुस्लिम, आई कन्वर्टेड अ ईयर अगो ऑन April 3rd एंड इट्स बीन ब्यूटीफुल एवर सिंस। यहाँ पर ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक साल पहले ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया और काफी सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम कबूल करने का सफर इनका एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सफर था। So my journey with that, throughout prison, I'm gonna be all the way 100 and keep it clear. Throughout prison, I was bullshitting around. I was not taking all of that serious. I was doing my research, but I was still, you know, with the shenanigans, still bushing around. I wasn't serious. I wasn't in the Quran like that. You know, it took time. It took time for me to actually sit down and say, all right, I'm ready. I finally had the discipline to, you know, get myself to Allah and believe. जैसा कि जिला फाटू ने बताया कि वो जेल में थे, लेकिन वो जेल में क्यों थे वो भी सुन लीजिए। अभी इनकी उम्र 27 साल है और जब ये 15 साल के थे इनको एक केस में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद जज ने इन्हें दोषी पाया, उसके बाद में इन्हें सजा सुना दी गई 10 साल की। लेकिन जेल के अंदर कुछ मुसलमानों से इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद में उन मुसलमानों ने इन्हें इस्लाम के बारे में बताया। लेकिन ये उन मुसलमान कैदियों की बातों में नहीं आए, बल्कि इन्होंने खुद से रिसर्च की, कई साल इन्होंने इस्लाम को पढ़ा और समझा, और धीरे धीरे ये जुम्मे की नमाज भी अदा करना शुरू कर दिए जेल के अंदर ही। ये अभी इस्लाम कबूल नहीं करे थे, उससे पहले ही ये नमाज पढ़ना शुरू कर दिए थे। I finally had the discipline to, you know, get myself to Allah and believe in his teachings. So throughout my years of prison, I'm gonna tell y'all just a little bit on किसी की भी बातों में आने के बजाय इन्होंने ये फैसला किया कि ये खुद से रिसर्च करेंगे, और रात रात भर ये जागते थे, रिसर्च करते थे और पढ़ते थे कुरान को। और इन्होंने आगे बताया कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आ गया जिसके बाद में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। मार्च 2022 को ये जेल से रिहा हुए थे, जेल से रिहा होने के एक महीने बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अभी एक साल के बाद इन्होंने कन्फर्मेशन दे दी है, दुनिया को ये बता दिया है कि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और हिदायत का इंतजाम कहाँ कहाँ से होता है ये दुनिया देखकर हैरान हो रही है। तो जिला फाटू के इस्लाम कबूल करने पर आप लोग क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।